स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं मेटावर्स के कुछ डिटेल्स के बारे में। मेटावर्स पे और भी वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि मेटावर्स थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन आज हम ये बताएंगे आपको कि मेटावर्स में प्लॉट्स कैसे खरीदे जा रहे हैं और प्लॉट्स की क्या अहमियत है। तो एक छोटा सा उदाहरण ये है कि अगर आप 2008 या फिर 2010 में क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करते रहे होंगे तो आपको पता होगा कि तब बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो एक रुपये मुश्किल से रही होगी, $0.0008 थी। और आज कितनी वैल्यू है ये बताना ज़रूरी नहीं क्योंकि 10 लाख 20 लाख से ऊपर जा चुकी है वैल्यू। तो कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम इनिशियल स्टेज पे बिटकॉइन में या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते तो बहुत ज़्यादा पैसे बना चुके होते। आज वो समय है जब आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो। अब उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेटावर्स एक प्लेटफॉर्म है, आ चुका है मेटावर्स। आपने सुना होगा कि मेटावर्स में शादियां हो रही हैं, मेटावर्स में स्कूल खुल गए हैं, मेटावर्स में पढ़ाई हो रही है। जल्दी से आपको बता दें कि मेटावर्स क्या है। मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक तीसरी दुनिया है, दूसरी दुनिया। आप तीसरी दुनिया चांद को कह सकते हैं, मार्स को कह सकते हैं, लेकिन तीसरी दुनिया है मेटावर्स, जहां सब कुछ वर्चुअली होता है, एक्सेस वर्चुअली मिलता है। आप वहां पर अपना अवतार भेज सकते हैं और उसे एक्सेस करने के लिए आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। उसे एक्सेस करना बिल्कुल ईजी है। रियल लाइफ में मेटावर्स आपको दिखेगा नहीं, वो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आप टच कर सकते हैं, दूसरी चीज़ को नहीं टच कर सकते। तो मेटावर्स ऐसी चीज़ है जिसे आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं वर्चुअली, बट आप उसे टच नहीं कर सकते हैं। बट मेटावर्स की जो प्लॉट के बिकने के सिस्टम है वो थोड़ा सा ट्रिकी है बट आसान भी है। उदाहरण के तौर पर अगर पिछले साल यानी एक दो साल पहले मेटावर्स पे जो प्लॉट की कीमत होती थी वो लगभग $1,000 के बराबर होती थी और अब वो $10,000 से $13,000 का एक प्लॉट, छोटा सा प्लॉट आपको मिलता है। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साल में मेटावर्स के प्लॉट की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो गई। तो अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं मेटावर्स में, कुछ प्लॉट ले लेते हैं, तो हो सकता है कि 10 साल के बाद मेटावर्स की भी वही हालत हो जो आज बिटकॉइन की है। तो मेटावर्स में प्लॉट कैसे खरीदेंगे और प्लॉट का क्या काम होगा और कहाँ प्लॉट होगा, क्योंकि रियल एस्टेट में आप जैसे कोई घर खरीदने जाते हैं तो ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर ब्रोकर आपको फ्लैट दिखाता है और आप वहाँ से फ्लैट खरीदते हैं। बट मेटावर्स में थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस है वो अलग है। कई सारी वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल नॉन फंजिबल एक वेबसाइट है, ओपन सी वेबसाइट है, डिसेंट्रलैंड है, वहाँ पर मेटावर्स में प्लॉट मिलते हैं। अब मेटावर्स में प्लॉट कई लोगों ने ऑलरेडी ख़रीद लिया है। फॉर एग्जांपल एक काफ़ी पॉपुलर म्यूजिशियन है स्नूप डॉग, इसके अलावा सैमसंग, HSBC और कई सारी बड़ी कंपनियों ने मेटावर्स में बड़े बड़े प्लॉट करोड़ों रुपये में ख़रीदे हैं और वहाँ वो अपना सेटअप कर रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं मेटावर्स में प्लॉट खरीदना तो आप इन चैनल्स के ज़रिए मेटावर्स पे प्लॉट खरीद सकते हैं। अब सवाल ये है कि मेटावर्स में प्लॉट खरीदने का आपको फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहला फ़ायदा ये जो हमने शुरू में बताया वो आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जैसे कि क्रिप्टो में बहुत पहले जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उन्हें आज फ़ायदा हो रहा है। भले आप ये कहें कि बिटकॉइन का तो प्राइस गिर गया, बिटकॉइन अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि 2010 में जो उसकी वैल्यू थी, एक रुपये या 10 रुपये या फिर 1,000 रुपये, आज के रेट में कितने लाख हो चुका है। तो कितना भी कम हुआ तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। मेटावर्स के साथ भी ऐसे ही है, अभी काफ़ी फ्लक्चुएशन है, अभी प्राइसेस कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। मेटावर्स के जो एक्सपर्ट हैं, ऐसा उनका मानना है कि अगले 10 साल में मेटावर्स की जो कीमतें हैं, मेटावर्स में जो प्लॉट की कीमतें हैं, लगभग 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा या हो सकता है कि 100 गुना ज़्यादा भी बढ़ जाए। अब आपने फॉर एग्जांपल मेटावर्स पे कुछ प्लॉट ख़रीद लिया तो अब आप उसका क्या करेंगे और उसकी ओनरशिप कैसे आपके पास होगी, क्योंकि रजिस्ट्री तो हो नहीं रही वहाँ पे। तो उसकी ओनरशिप आपको ब्लॉकचेन सिक्योर करता है। फॉर एग्जांपल एक बार आपकी ओनरशिप मिल गई तो दूसरा कोई ओनरशिप ले नहीं सकता। जैसे बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप ख़रीदते हैं तो कोई भी उसे चोरी नहीं कर सकता आपसे। उसी तरीके से आप अगर कोई प्लॉट ख़रीदते हैं तो कोई आपसे वो छीन नहीं सकता। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपने प्लॉट ले लिया तो वहाँ आप सब कुछ कर सकते हैं जो रियल लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप वहाँ रह नहीं सकते हैं। आप वहाँ पर शॉप्स खोल सकते हैं, आप लाइव कॉन्सर्ट होस्ट कर सकते हैं,
आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप जूते की दुकान खोल सकते हैं, और वहाँ जो ख़रीदार होंगे वो भी वर्चुअल होंगे। तो थोड़ा सा आपको अटपटा सा ज़रूर लग रहा होगा, भले ही आप अगर वहाँ पे शॉप्स ना भी खोलें, बट उसकी वैल्यू जो है आगे चल करके तेज़ी से बढ़ेगी। अब एक डर लोगों के मन में होता है कि उस पर जो आपने प्लॉट ख़रीदा, सिक्योरिटी और सेफ्टी का क्या है, क्योंकि कोई सरकार उस पर नज़र नहीं रखती या फिर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि हो सकता है आपके साथ वहाँ कोई फ्रॉड हो गया तो आप पुलिस स्टेशन में जा कर के ये कह रहे हो कि मेरे साथ मेटावर्स में फ्रॉड हो गया और मेरी जो मेटावर्स पे ज़मीन खरीदी हुई थी वो किसी और ने ले ली है। तो पुलिस आपको बोलेगा कि भैया आप कहीं और जाओ, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, और बात भी सही है क्योंकि उनके ज्यूरिसडिक्शन में वो नहीं आता। तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमेशा ही उस डिलेमा में होगी कि आपको वो कभी भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बट द फैक्ट इज़ कि जो क्रिप्टो करेंसी से उसे सिक्योर किया जाता है, जो ब्लॉकचेन से उसे सिक्योर किया जाता है, वो हार्ड टू ब्रीच है। इसका ये मतलब कि अगर आपकी ओनरशिप हो गई तो हो, एक चीज़ ये है कि अगर जिसने बनाया है उसे वो आपके साथ फ्रॉड कर दे, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इथीरियम में ख़रीदा है, उसके प्राइस फ्लक्चुएट करें, तो उससे आपके प्लॉट पर ज़रूर असर पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू कोई भी आकर के आपसे आपका प्लॉट ले ले, क्योंकि आपका वो प्लॉट वहाँ पर सिक्योर हो गया। तो ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टर्म ज़रूर है, जिसके बारे में हम आगे एक एक वीडियो में आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये जान लीजिए कि मेटावर्स में भी प्लॉट बिकने शुरू हो गए हैं, और US में और यूरोपियन कंट्री में लोग काफ़ी तेज़ी से मेटावर्स पर प्लॉट खरीद रहे हैं। मैं मुंजीर अहमद अगली बार भी इस तरीके की वीडियोस लेकर के आऊँगा जो कि थोड़ी फ्यूचरिस्टिक होंगी और जो थोड़ी वेग आपको लग सकती हैं कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, बट ऐसा होता है। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।